Dear student, as we have used different techniques for inequality, जिसमें लॉरेंस कर्व को हमने डिस्कस किया, हमने जीनी कोएफिशिएंट को डिस्कस किया, हमने एटकिंसन इंडेक्स की बात की, हमने थील इंडेक्स की बात की, इसके अलावा लाइक परसेंटाइल एंड क्वांटाइल डिस्पर्शन की बात की, ये सारे हमें एक उसकी पिक्चर देते हैं। लेकिन इसके साथ कभी कभी हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। अब जैसा मैंने अभी डिस्कशन की थी कि देर इज माइनर डिफरेंसेस इन इनकम इनइक्वालिटी एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटी। बेसिकली जो कंजम्पशन है पूरी दुनिया में, इसकी इनइक्वालिटी कम होती है, क्योंकि पुअर और रिच की बहुत सारी नीड्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। लाइक एक जो पुअर है जिसकी इनकम 10,000 है और जिसकी इनकम 10 लाख है, दोनों का बहुत सारे कंजम्पशन ऐसे हैं जो उनके लिए सेम प्राइस पे करता है। लाइक अगर 10,000 इनकम वाला बंदा 1 लीटर पेट्रोल लेता है, तो वो अगर 100 रुपीज़ 1 लीटर के देता है, तो जिसकी इनकम 10 लाख होती है वो भी 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में लेता है। इसलिए दोनों की प्राइस सेम होती है। सेम जिस वक्त वो मार्केट में जाता है, वेजिटेबल लेता है, तो 10,000 वाला जितने की वेजिटेबल लेता है उतने की ही 10 लाख वाला वेजिटेबल लेगा। उसने अगर खाना खाना है तो उसको चपाती 10 रुपये की मिलेगी जिसकी इनकम 10,000 है, और जिसकी इनकम 10 लाख है उसको चपाती भी 10 रुपये की मिलेगी। इसलिए कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, कंजम्पशन इनइक्वालिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन इनकम में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इनकम में कुछ लोगों की इनकम अगर 10,000 है और कुछ की 10 लाख है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। लेकिन जब कंजम्पशन देखें, हो सकता है 10,000 वाला 80% फूड पे लगाता हो और 10 लाख वाला हो सकता है 8% ओनली फूड पे लगाता हो। इसलिए देर इज ह्यूज डिफरेंसेस इन कंजम्पशन इनइक्वालिटी एंड इन इनकम इनइक्वालिटी। अब हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी का ट्रेंड देखते हैं कि ये ट्रेंड क्या है स्पेसिफिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज का ट्रेंड कैसे जा रहा है। उसके लिए हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें वही जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू है। आप लोग देख रहे हैं कि जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू उसी तरह 0 से 1 तक लाई करती है। ये आप देख रहे हैं, कोई वैल्यू 0 से कम नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। सेम इज द केस ऑफ थील इंडेक्स के, लो वैल्यू इंडिकेट लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड हाई वैल्यू इंडिकेट हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड इन द सेम। अब यहाँ पे जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में ऐसे भी हैं जहां पर ये मैक्सिमम कोड डी आई वर्ड में है 0.435, ये हाईएस्ट नंबर है। गाना में 0.34 है, पैरों में 0.43 है एंड वियतनाम में 0.344 है। अब जिस वक्त ये आपके पास एक वैरायटी मिल रही है कि कंजम्पशन में इतने डिफरेंसेस हैं, बेसिकली इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो 0.3 एंड 0.4 में लाई करती है, बट कंजम्पशन में इनइक्वालिटी कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए जिस वक्त हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पर अगर 0.43 है तो इट मीन्स कि जो पुअर हैं वो ज़्यादा पुअर हैं और जो रिच है वो ज़्यादा रिचर है, और इसलिए उनमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, नंबर वन। नंबर टू, जब कंजम्पशन में इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट प्रो पुअर स्ट्रेटेजीज लॉन्च नहीं कर रही, जिसकी वजह से पुअर और रिच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको यहाँ से स्टेटिस्टिक्स से हम सर्च करके गवर्नमेंट की पॉलिसी की एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी का पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी पॉलिसी को हमने देखना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट हैपेंड विद इन इक्वालिटी। क्या इस पॉलिसी से, इस टैक्स लगाने से, इस सब्सिडी देने से, इस इनकम में सपोर्ट देने से क्या लोगों की वेलबींग ज्यादा हो रही है या नहीं। व्हाट हैपेंड विद इन इक्वालिटी, इस आउट इनिशिएटिव से इनइक्वालिटी ज्यादा होगी या इनइक्वालिटी कम होगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।